सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 24 मई है, दिन बुधवार है। नानकशाही संमत 555 के मुताबिक अज 10 जेठ हो गया। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहानू सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दस दिंदे हां। सब तो पहला मौसम की गल करांगे। मौसम विभाग की भविखबाणी के मुताबिक 23 मई की अद्धी रात तो पंजाब दे वख-वख थावां ते हल्का मीह पैना शुरू हो गया। बदलों के गरजन की आवाज़ तुहानू खबरां दे विच भी सुन रही होगी। तो जानकारी मुताबिक कल भी पंजाब के कुछ हिस्सों विच दरमियाना मीह पिया, किते किते गड़ेमारी दी खबरां भी ने। अमृतसर ते गुरदासपुर जिलों तो इलावा साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली दे विच बाद दुपहर धूड़ भरी हनेरी भी चली। तो कल तक पंजाब का तापमान 44 डिग्री के नेड़े पहुँच गया सी। ते राजस्थान तो भी इस हिसाब के नाल पंजाब वध तपण लग्या। तो हुण मीह की शुरुआत हो गई है, किते हल्का किते भारी। तो लोगों को गर्मी तो राहत जरूर मिलेगी। मौसम विभाग के डायरैक्टर मनमोहन सिंह ने 24 ते 25 मई को यानी कि आज ते कल को तेज़ मीह ते हनेरी चलन करके ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिता है। 26 ते 27 मई को कुछ थावां ते हल्का मीह ते तेज़ हवावां चलन की पेशीनगोई की है। अगला पूरा हफ्ता पछमी बिगाड़ के चलदियां तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जबकि जून के पहले हफ्ते तापमान बढ़ सकता है। उधर गुआंढी सूबे हिमाचल प्रदेश दे विच भी कल कई थावां ते मीह पिया ते गड़ेमारी भी हुई। मौसम विभाग ने अज सूबे दे 10 जिलों दे विच हनेरी चलण ते बिजली डिगण दी पेशीनगोई करदिआं ऑरेंज अलर्ट जारी कीता है। शिमला ते इस दे नाल लगदे इलाकिआं दे विच कल बिजली चमकण ते हनेरी चलण दे नाल मीह पिया, कुछ थावां ते गड़ेमारी भी हुई। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन ते सिरमौर जिलों दे विच भारी मीह दी चेतावनी दिंदिआं किसानां नूं अपणीआं फसलां दी संभाल करन दी सलाह दित्ती है। पंजाब सरकार ने सूबे दे विच 25 मई यानी कि कल तो सारियां मंडियां बंद करन दा ऐलान कर दिता है। ते अज तक ही मंडियां दे विच कणक दी खरीद होवेगी। विवादां दे विच घिरे हुए खुराक सिविल सप्लाई ते खपतकार मामलियां दे मंत्री लाल चंद कटारू चक ने कहा है कि 1 अप्रैल तो शुरू हुए मौजूदा हाड़ी सीजन दौरान सूबे दीआं मंडियां विच 125.57 लाख मीट्रिक टन तो वध कणक आ चुकी है। 121.7 लाख मीट्रिक टन की खरीद है जिहड़ी उह हो चुकी है। तो सूबे दे 8,09,149 किसानां नूं उहनां दे बैंक खात्यां दे विच सीधी अदायगी कर दित्ती गई है। 24,693 करोड़ रुपये की अदायगी MSP भा राही कर दित्ती गई है। खरीद बंद करन दी जिहड़ी समा सीमा इस तो पहलां 31 मई रखी गई सी, पर फिर थोड़ा जिहा वधा के 25 मई तक कर दिता गया सी। ते हुण जिहड़ा हैगा कल नूं फाइनली पंजाब दे विच कणक दी खरीद बंद हो जाएगी। पंजाब दा पाणी गुआंढी सूबिआं नूं दित्ते जाण दा मुद्दा एक वारी फिर तो भख गया है। एक पासे पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान तां कल बयान दे रहे सन कि पंजाब दे कोल गुआंढी सूबिआं नूं देण दे लई एक बूंद भी वाधू पाणी नहीं है। दूजे पासे श्रोमणी अकाली दल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान ते राजस्थान नूं वाधू पाणी देण दे खिलाफ अज धरना लाउण दा ऐलान कीता है। अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने दावा कीता कि पंजाब दे मुख्यमंत्री दे वल्लों 700 क्यूसिक पाणी दी थां 1200 क्यूसिक वाधू दरियाई पाणी राजस्थान नूं छड्डिया जा रहा है। तो इस दे खिलाफ श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों अज नहरी कलोनी अबोर दे विच सवेरे 10 बजे धरना दिता जाएगा अते सुखबीर बादल इस धरने की अगवाई करनगे। सुखबीर बादल ने राजस्थान नूं वाधू पाणी दिते जाण नूं पंजाब दे पाणियां दी आम आदमी पार्टी वल्लों सियासी लुट दस्सिया है। कहिंदे किसान तां पहले ही पाणी नूं तरस रहे ने, पर पंजाब दी आम आदमी पार्टी दी सरकार बाहरी सूबिआं नूं पाणी लुटा रही है। इस तों पहलां कहिंदे भगवंत मान ने ही चंडीगढ़ दे विच हरियाणा वल्लों वक्खरी विधान सभा दा विरोध करन दी थां पंजाब लई ही राजधानी चंडीगढ़ विच मंग के चंडीगढ़ ते अपने दावे दा सरेंडर कर दित्ता सी। इस दे नाल ही श्रोमणी अकाली दल ने राज्यवाल यूनियन ते गंभीर इल्जाम लाया है कि राज्यवाल यूनियन ने सरकार दे राजस्थान नूं वध पाणी देण दे फैसले दा विरोध करन दी बजाए पंजाब दा पाणी बचाउण लई सरकार दा विरोध करन वालियां दा ही विरोध करन दी साजिश रच लई है। कहिंदे कि इह राज्यवाल उही नहीं जो आम आदमी पार्टी वल्लों मुख्यमंत्री दा चेहरा बण लई हथ पल्ले मारन तों बाद जलील हो के घर बहि गया सी, जिसने किसान अंदोलन समय इकट्ठे होए फंडां दा हिसाब भी किसान वीरां नूं नहीं दित्ता। इस तरह के इल्जाम श्रोमणी अकाली दल ने बलवीर सिंह राज्यवाल ते लाए ने, जबकि दूसरे पासे भारतीय किसान यूनियन राज्यवाल के प्रधान बलवीर सिंह राज्यवाल ने एक दिन पहला ही पंजाब सरकार ते राजस्थान नूं मुफ्त ते वाधू पाणी देण दा दोष लाया सी।
राज्यवाल ने दावा किया कि पंजाब सरकार वालों राजस्थान के नागौर के संसद मैंबर हनुमान बैनीवाल को खुश करने के लिए सरहंद फीडर राही 1250 क्यूसिक पानी होर देने का फैसला लिया गया, क्योंकि हनुमान बैनीवाल नू आम आदमी पार्टी दे विच शामिल करके ये राजस्थान दी आने वाली विधानसभा चोणां विच मुख्यमंत्री दे चेहरे वजो उभारन दा यतन कर रहे ने। राज्यवाल ने ऐलान किया कि असी सरकार दी इस मंशा नू पूरी नहीं होण देवांगे, पर यह सानू पता नहीं लग सकिया कि बलवीर सिंह राज्यवाल ने अकाली दल बारे की कहा, जिसका विरोध अकाली दल ने बड़े तिखे रूप च कीता है। अज की तरीक 900 क्यूसिक पानी कभी गंग नहर राही फालतू जा रहा, जी भाखड़ा नंगल का फालतू किन्ना जाता वह अलग टीम बैठी सारा रिपोर्ट कर रही है, 40 दिन उन्हें रिपोर्ट करना, पर 40 दिन जिन्ना साड़िया नहर बंद ने साडा तो खान पहलेगा। राजस्थान वाले 1250 क्यूसिक पानी होर मंगते ने, इसलिए उत्थे अंदोलन करते ने। उन्होंने साडे मुख्यमंत्री ने कुछ राजस्थान के MP के दबा हेठ उन्होंने अज समा दिता, मीटिंग दिती है। मैं मुख्यमंत्री नूं चिट्ठी लिख के कहा कि यही जी गलती बिल्कुल ना करियो, साडे कोल इक तुपका भी पानी फालतू नहीं, राजस्थान पहले ही फालतू पानी लै रहा अपने कोटे नूं वध लै रहा है, ते उहनूं होर पानी देण दी दा कोई वादा ना करियो। ते जिस तरह पानी जा रहा अंदर खाते, मैं समझदा साडा मुख्यमंत्री भी शायद उहनां दे अगे गोडे टेक के है, ते वड्डी लड़ाई लई तैयार होना पवेगा। अज तक साढ़े नाल धक्का होया, संविधान अनुसार पानी के मालिक पंजाब के लोग ने, साढ़े तिने दरिया ना तो इंटरस्टेट रिवर्स ने, ना राजस्थान कोई रेगुलेटिंग स्टेट है, संविधान अनुसार उसका कोई हक नहीं बनता। अज तक अंग्रेज के वेले तो मुफ्त पानी लेंदा चला आ रहा है, सब तो पहला मार्की तय करवानी पेगी भी एदा मार्ग पानी का पंजाब है, एक वड्डा अंदोलन की तैयारी करनी पेगी। इसे बिना हम गुजारा नहीं, जो पंजाब नूं बचाउणा है तो सारे नूं नित्र के मैदान बचाउणा पेगा, इसे बिना पंजाब नहीं बच सकेगा। ते दूजे पासे जे मुख्यमंत्री भगवंत मान दे कल दे बयान नूं सुन लईए, तां मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार दा स्टैंड पानी दे मुद्दे ते साफ है। कहिंदे इंदिरा गांधी नहर जिहड़ी राजस्थान नूं जांदी है, उस राहीं पंजाब दा 18,000 क्यूसिक पानी राजस्थान नूं जांदा है, पर हुण जो राजस्थान सरकार ने रिपेयर करन दे लई नहर नूं बंद कीता होया है, तां कोलों लंघदी सरहंद फीडर तों 5200 क्यूसिक पानी मंगिया जा रहा है, पर कहिंदे पंजाब बिल्कुल भी देण तों असमर्थ है। यानी कि एक पासे विरोधी धिरां जिहड़ियां ने दावा कर रहियां ने कि राजस्थान नूं इह पानी सरहंद फीडर नहर दे राहीं दित्ता जा रहा है, पर पंजाब दे मुख्यमंत्री इस तों इनकार कर रहे। राजस्थान की जिहड़ी सरकार है कांग्रेस की है, BJP जिहड़ी है सेंटर च है, असी 18,000 क्यूसिक लीटर पानी जिहड़ी इंदिरा गांधी नहर कहने जिहनूं उहदे राहीं पंजाब तो राजस्थान नूं जांदा है, 18,000 क्यूसिक पानी जिहदे चों असी एक घुट भी पंजाब दे विच नहीं कढ सकदे, उहदे नाल ही नहर जांदी है, उह सरहंद फीडर कहिंदे उहनूं, उह च 5200 क्यूसिक पानी है, जिहदे नाल असी फाजिलका अबोर असी उधर अरनी वाला पन्नी वाला ये सारा इलाका जिहदे नरमा बीजदे आ, बल्कि कई पंपां राहीं पावरफुल पंपां राहीं चक के उस नहर चों पानी इधरले पासे भी कढ़िया जांदा, मलोट वाले पासे जे नहर चलदी है तां गिदड़वाई वाले पासे भी कढ़िया जांदा ताकि उत्थे भी खेतां नूं पानी मिल सके। तां मैनूं समझ नहीं आउंदी कि क्यों जिहड़ी गहलोत सरकार ने इन्हां दिनां च बंदी क्यों लै ली, भी 70 साल तों नहर चल रही है, मई ते जून महीने च बंदी लै ली उन्होंने कि जे असी नहर दी रिपेयर करनी है 30 किलोमीटर है, जिते 70 साल हो गए 2 महीने होर चल लेंदी, वो अक्तूबर च लै लेंदे बंदी, तुसी अपना 18,000 क्यूसिक पानी बंद करवा रखे ते सानू कहने तुसी इधरों पानी दे दो। साडे कोले जदों पानी साडे पहली बार तां साडे आले कोले पहुंचिया हो के नहरां दे पानी नाल नरमा बीजे जां पनीरी बीजी है। पानी दे इस मसले दरमियान जे पंजाब दे पानी दी गल कर लईए तां जमीनी पानी इन्ने डूंघे चले गए ने कि खेती मोटरां भी फेल हो गईआं ने, किसानां ने धरती हेठों पानी खिंचण लई खेती मोटरां दा इन्ना लोड वधा दिता है कि सूबे दे विच इक कनैक्शन पिछे औसतन लोड कितें वध गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान दा जद्दी जिला संगरूर सब तो मूहरे हो गया, जिथे प्रति कनैक्शन औसतन लोड 17.55 हॉर्स पावर है। ते केंद्रीय ग्राउंड वाटर बोर्ड की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक देश दे विचों पंजाब ही अजिहा इकलौता सूबा है जो सालाना सेफ मिकदार तो वध पानी धरती चों कढ रहा है। संगरूर तो बाद पंजाब दा बरनाला जिला दूसरे नंबर ते है, जिथे प्रति कनैक्शन औसतन लोड है जिहड़ा 16.69 हॉर्स पावर है। तीजे नंबर ते पटियाला है, मानसा भी चौथे नंबर ते है, मोहाली पंजवें ते बठिंडा छेवें नंबर ते है। इसका इको एक कारण मनिया जा रहा है कि पंजाब दे विच झोने की वधदी हुई पैदावार करके किसानों ने जमीनी पानी दा तिला दिता है, ते किसान कहिंदे ने कि जे सानू नहरी पानी मिलता होवे तां फिर असी जमीना कानू पट्टीए।
उधर भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर एकता के सूबा प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दोष लाया है कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार कारपोरेट घराणियों का पक्ष पूर रही है। कहिंदे सूबा सरकार ने पंजाब दे विच सत्त साइलो मंडियां नूं मंजूरी दे के पंजाब च कारपोरेट घराणियां दी सिद्धी मदद कीती है। किसानां नूं किसान विरोधी फैसलियां दे खिलाफ लोकां नूं लामबंद होण दा सद्दा दित्ता है। बरगाड़ी बेअदबी कांड दा भगौड़ा डेरा प्रेमी मुलजम संदीप ब्रेटा बंगलुरू तो गिरफ्तार कर लिया है। 5 केसां दे विच इह भगौड़ा सी, डेरे दी कौमी कमेटी दा मैंबर सी। इस दी गिरफ्तारी तो बाद हुण सौदा साध गुरमीत राम रहीम जो बलात्कार ते कतल दे केस दे विच हरियाणा की सुनारिया जेल दे विच बंद है, उसनू पंजाब दे विच लिया के उस तो पुछ पड़ताल कीते जाण दी मंग वध गई है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरबाणी प्रसारण की सेवा इस वारी खुले टेंडर राही देने का ऐलान कर दिता है अते नाल ही शर्त भी रख दिती है कि गुरबाणी के प्रसारण लई मर्यादा का ध्यान रखना बेहद लाजमी है। इसे मसले ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सबका प्रधान बीबी जगीर कौर भी बोले हन। जगीर कौर ने दावा किया है कि उन्होंने PTC चैनल श्रोमणी कमेटी नू दान करन दी एक वारी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल नू सलाह भी दिती सी। जदों कहिंदे पिछले साल श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ने श्रोमणी कमेटी नू एक हफ्ते दे विच विच अपना यूट्यूब चैनल बना के गुरबाणी प्रसारण करन दे हुक्म दित्ते सन तां उदों बीबी जगीर कौर ने सुखबीर बादल नू इह सलाह दित्ती सी, पर सुखबीर बादल ने इस सलाह नूं नहीं मन्या ते श्रोमणी कमेटी ने भी जथेदार साहिब दे आदेश लागू नहीं कीते। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों 2 करोड़ दे इल्जामां तों बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने इतिहासिक गुरद्वारा कतलगढ़ साहिब विखे मत्था टेक के कहा कि जे मैं किसी खिडारी तों पैसे मंगे भी होण लए होण तां मेरा कख ना रहे। दूसरे पासे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि चन्नी साहब ढके रहो, मेरे कोले सबूत हथ दे विच है, लोड़ पई तां खिडारी नूं सामने भी लै आऊंगा। दूजे पासे चमकौर साहब तों आम आदमी पार्टी दे विधायक डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने दावा किया है कि चन्नी सौ खाण ते मुकरन दे आदि ने। खबर लतीफपुरा दे उजाड़े गए लोगों दे नाल जुड़ी हुई है। पंजाब सरकार दे वल्लों जलंधर नगर सुधार ट्रस्ट ने कौमी अनुसूचित जाति कमिशन दे कोल अपना जवाब दायर करदिआं दावा किया है कि लतीफपुरा दे विच जिहड़े अनुसूचित जाति परिवारां दे मकान ढाहे गए सन, ट्रस्ट दे वल्लों उन्हां नूं मुड़ वसाया जा रहा है। ट्रस्ट ने कमिशन नूं दस्सिआ कि ट्रस्ट पीड़ितां नूं फ्लैट अते जमीन दे रहा है ते इह विकास योजना बीबी भानी तहत मुहैया करवाए जा रहे ने, जदकि जिहड़े बेघरे लोग फ्लैट नहीं लैणा चाहुंदे उन्हां नूं सूर्या एनक्लेव एक्सटेंशन दे विच दो मरले दे प्लाट मुहैया करवाए जा रहे ने। इस दरमियान कौमी घट गिणती कमिशन दे चेयरमैन विजय सांपला ने कहा कि जिहड़े पीड़ित परिवारों का मुड़ वसेबा नहीं होया ते जमीना प्राप्त करन दे विच मुश्किल आ रही है वह कमिशन दे नाल संपर्क कर सकते ने, कमिशन की मदद लै सकते ने। ओमान दे विच फसियां होईयां औरतां दे विचों 5 पंजाबणां अपने घर परत आईयां ने। राज्यसभा मैंबर विक्रमजीत सिंह सानी ने इन्हां दे जुर्माने ते हरजाने दी रकम दा भुगतान करके इन्हां सारियां नूं घरे पहुंचाया है। सानी ने दस्सिया कि उन्हां दी जथेबंदी ने ओमान च फसियां 35 पंजाबणां दी पछाण कीती है ते सारियां दी वापसी दे लई असीं कोशिश कर रहे हां। कहिंदे मुआवजे दीआं शर्तां पूरीआं करन दे लई भारतीय दूतावास ने हर संभव सहयोग कीता है। 7 होर पंजाबणां दे उन्हां ने देर रात दिल्ली हवाई अड्डे ते पहुंचण दी जानकारी भी दित्ती सी। अमृतसर पहुंचियां 5 औरतों विचों एक ने दस्सिया कि उसनूं मोगा दी इक औरत ने चंगे भविख दा सुफना दिखा के गुमराह कीता सी ते अपने 2 बच्चों के भविख नूं ध्यान च रखदिआं उह खाड़ी मुल्क दे विच जाण नूं तैयार हो गई सी। उसदा पति आटो चलाउंदा है। वीजे दीआं शर्तां ते हवाई यात्रा दा किराया देण दे लई लोड़ींदी रकम दा प्रबंध भी कीता। 25 नवंबर 2022 नूं मस्कट पहुंची जिथे उसनूं 130 रियाल प्रति महीने दे हिसाब नाल घरेलू सहायक दे वजों एक घर च नौकरी दित्ती गई। सुफना कहिंदी उदों टुट गया जदों उसनूं घट तनखाह देनी शुरू कर दित्ती गई ते गंभीर नतीजे भुगतण दी भी धमकी मिली। रोज़ सवेरे 5 बजे तो लैके अद्धी रात तक वह काम करती सी ते जदों उन्हें तनखाह मंगी तो उहदे नाल दुरव्यवहार करदिआं कुटमार की गई ते उत्थों छुट्टण दे लई 2.5 लाख रुपये भारतीय करंसी भी मंगी गई। इस तों बाद कहिंदी उह भज गई ते कुछ भारतीय लोगों वालों चलाए जा रहे शैल्टर होम दे विच रहण लग पई। ना तो कोई रुजगार सी, ना ही जुर्माने की रकम का भुगतान करन दा कोई साधन। इस तरह होर औरतां दी भी कहानी है। घरदिआं ने जदों सारा मामला पंजाब पुलिस ते DGP दे ध्यान विच लिआंदा तां इन्हां दी अगे मदद हो सकी। भारत की सब तो वड्डी ते सब तो औखी प्रीख्या UPSC दे कल नतीजे आ गए ने ते पहले 4 स्थान कुड़ियां ने हासिल कीते ने। इशिता किशोर 2022 सिविल सेवावां दी टॉपर बनी है ते कुल 933 उम्मीदवारां ने सफलता हासिल कीती है।
इशिता तो बाद गरिमा लोहिया उमा हराती अते श्रीमती मिश्रा ने दूजा तीजा ते चौथा स्थान हासिल किया। पंजाब दे लहरा गागा दे रॉबिन दा 135वां नंबर आया ते जलंधर दी रुशाली 492 रैंक लैके इस प्रीख्या दे विचों सफल हुई है। पंजाब दे तकरीबन सारे सियासी लीडरां ने सफल होने वाले उम्मीदवारां नूं वधाई दित्ती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी वधाइयां भेजियां ने। असीं भी पूरे भारत दे विचों सफल रहण वाले सारे उम्मीदवारां नूं वधाई दिंदे हां। इतिहास करते हाँ कि सेवावां दे विच जदों उह जाणगे तां नागरिकां दी भलाई दे लई इमानदारी दे नाल काम करनगे। भारत दे यूके गए विद्यार्थियों दे लई वड्डे झटके वाली खबर है, क्योंकि यूके गए भारतीय विद्यार्थियों दे लई हुण परिवारक मैंबरां नूं उत्थे सद्दना औखा होवेगा। यूके दी गृहमंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने दस्सिया कि सिर्फ उन्हां कौमांतरी विद्यार्थियों नूं ही परिवारक मैंबरां नूं बरतानिया लिआउण दी परवानगी दित्ती जाएगी जो अजिहे पोस्ट ग्रैजुएट कोर्स कर रहे हैं जिन्हां नूं खोज वजों यानी कि रिसर्च वजों मानता मिली हुई है। अजिहे विद्यार्थी ही अपने बच्चों जां बजुर्ग माता पिता नूं निर्भर परिवारिक मैंबरां वजों यूके लिया सकते हैं। ते गृह मंत्री दे वल्लों हाउस ऑफ कॉमन्स दे विच लिखती जारी किए गए बयान दे नाल विदेशियां खास तौर पर भारतीय विद्यार्थियों नूं झटका लगेगा। भारतीय मूल दी मंत्री ने दस्सिया कि नवे नियम लियांदे जाने जरूरी हो गए हैं, क्योंकि 136,000 वीजे पहला ही दिसंबर 2022 च खत्म होए साल तक विद्यार्थियों ते निर्भर परिवारक मैंबरां नूं जारी किए जा चुके हैं। 2019 दे नालों 8 गुणा वध ने, यानी कि 16,000 वध वीजे जारी किए गए ने। इस करके हुण लिमिट है जिहड़ी उह तय कर दित्ती गई है। दरअसल यूके दे विच वड्डी गिणती विच भारतीय विद्यार्थी स्टडी वीजे ते पढ़ाई करन लई जांदे ने। पंजाब दीआं वड्डीआं खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच हुण तुहानूं कुछ होर खबरां विस्तार नाल दसदे आं। वड्डी खबर तुहानूं दस देने हां जिहड़ी कि वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे मुखी अमृतपाल सिंह दे नाल जुड़दी है। दरअसल अमृतपाल सिंह दे खिलाफ जिहड़ी पुलिस कार्रवाई होई सी उस दरमियान अमृतपाल सिंह समेत कुल 10 जणिआं नूं जिहड़ी कि वारिस पंजाब दे जथेबंदी नाल सिद्धे तौर ते संबंधित ने उहनां नूं असाम दे डिब्रूगढ़ जेल दे विच NSA ला के बंद किया गया है। ते हुण इहनां दे विचों ज़्यादातर कैदियां दा NSA अधीन 3 महीने डिटेन करन दा समां खत्म हो रिहा है। 3 मैंबरी एडवाइजरी बोर्ड डिटेंशन नूं लै के डिटेंशन वधाउण लैके उन्होंने मिलने के लिए डिब्रूगढ़ जेल पहुंचा है। बोर्ड के सारे मैंबर ने जिहड़े वह कैदियों के नाल गलबात करेंगे। मन्या जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार से ही हाईकोर्ट तय करेगा कि NSA अधीन बंद कैदियों नूं 3 महीने होर डिटेन किया जाएगा जां फिर नहीं। इस मामले दे विच सरकार नूं भी अपना पक्ष है जिहड़ा वह एडवाइजरी बोर्ड के सामने रखना होगा। कारण दसना पवेगा कि सरकार क्यों चाहती है कि इन्हां सिख कैदियों नूं अगले 3 महीने के लिए होर डिटेन किया जाए। NSA कानून के अधीन भारत दे विच सुरक्षा के मामले दे विच किसी भी शख्स नूं 1 साल तक लई डिटेन किया जा सकता है। इस दौरान उसनूं अदालत विच पेश करन दी जरूरत नहीं होंदी। हालांकि आम तौर पर सारे कानूनां दे विच जे किसी व्यक्ति नूं हिरासत विच लिया जांदा है तां उसनूं अदालत दे विच पेश करना लाजमी हुंदा है। अमृतपाल सिंह समेत 10 सिख NSA अधीन डिब्रूगढ़ जेल दे विच बंद ने। RBI ने जदों नोट वापस लैण दा ऐलान कीता सी तां नाल ही इह वी कहा सी कि 23 मई तो लैके 30 सितंबर तक इस नोट नूं बैंकां दे विच बदलाया जा सकदा है, इस दा लैण देण कीता जा सकदा है। ते 23 मई मंगलवार नूं बदलाउण दी जिहड़ी प्रक्रिया है उह शुरू हो चुकी है, पर 2000 रुपये के नोटों नूं छोटे मुल दे नोटों नाल बदलण दे पहले दिन बैंक शाखावां दे विच कोई ज़्यादातर भीड़ नहीं दिसी। साड़ी टीम ने साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली के बैंकों के जाके जदों देखा तो कोई आम लोगों की भीड़ नहीं सी, बहुते लोगों ने कोई काली है जी इतने नहीं दिखाई। इस दौरान RBI ने बैंकों को सलाह दी है कि जदों लोग 2000 रुपये के नोट बदलाउण जां जमा करवाउण दे लई आउंदे ने तां उन्हां नूं धुप्प ते बचाउण दे लई शैड ते पानी का प्रबंध किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पै रही है। इस दे नाल नाल बैंकां नूं रोज़ाना जमा करवाए जाण ते बदले गए 2000 दे नोटां दा वेरवा रखण दे लई वी कहा है। ते लोकां दी जिहड़ी ज़्यादा भीड़ बैंकां दे बाहर नहीं दिसी उसका एक कारण यह भी समझा जा सकता है कि आम लोगों के कोल शायद 2000 के नोट ने जिहड़े उह ज़्यादा गिणती दे विच नहीं हैगे। जिहड़े होणगे उह वी उन्हां नूं आस होएगी कि उह लै दे के उन्हां नूं खत्म कर देणगे। सो 2000 दे जिहड़े नोट ने काले धन दे वजों किसने जमा करके रखे ने ਉਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ
ना ही दा आधार कार्ड की लोड़ है, ना ही किसी होर दस्तावेज की लोड़ है, ना ही कोई फार्म भरना लाजमी है। सो जिहड़े उपभोक्ता है जरूर इस गल का ख्याल रखन कि जे तुसीं नोट बदलाउण जाने हो तां इह चीज़ां तुहाडे तों नहीं मंगियां जाणगियां। नियमां दे विच कुछ भी अजिहा नहीं है, जे मंगियां जा रही ने तां इह समझ लिओ कि इह गलत है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान अते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखां दी श्रोमणी संस्था इन्हां दोवां धिरां दे विचाले सचखंड श्री हरिमंदर साहिब तों प्रसारित होण वाले गुरबाणी दे लाइव टैलीकास्ट दा जिहड़ा टकराव है ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਨਸੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਰੇ। सब तो पहला धामी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वह गुरबाणी वेचण वर्गे शब्द बोलने तो गुरेज करन। दूसरा उन्होंने कहा कि सब कमेटी छेती ही गुरबाणी प्रसारण के लिए नियम तय कर रही है, छेती ही टेंडर जारी करके सारे टीवी अदारियां नूं बोली लाउण दा मौका दिता जाऊगा। पर नाल ही उन्होंने एक शर्त यह भी रखी है कि शामिल होने वाला बोली दे विच शामिल होने वाला अदारा इस गल का यकीन दवाए कि गुरबाणी का प्रसारण वह पूरी दुनिया दे विच करन दे समर्थ ने। यह जिहड़ा 2023 दे विच जिहड़ा साडा ये खत्म हो जाना जुलाई दे विच, ते मैं अगां हुण सारिआं नूं कहना चाहुंना असीं ओपन टेंडर देवांगे अखबार दे विच, जिहदी भी रूह करदी आ जिहदे च भी जथा शक्ति आ, पर शर्त होगी कि वर्ल्ड वाइड वो हर एक दुनिया दे कोने कोने विच वो टैलीकास्ट करे। उहदीआं शर्तां जिहड़ियां मैं सब कमेटी बनाती आ, वो 5 मिनट मेरी सब कमेटी जिहड़ी वो बैठ के उहदीआं सारिआं शर्तां तय कर लूगी, ओपन टेंडर होगा। एसजीपीसी ने यह वड्डा फैसला उदों लिया है जदों हुण मौजूदा जिस चैनल दे कोल टीवी चैनल पीटीसी अदारे कोल गुरबाणी दे लाइव टैलीकास्ट दे हक ने उहनां दे नाल करार है जिहड़ा उह आउंदे महीने खत्म होण वाला है। इस दरमियान एसजीपीसी ने वड्डा फैसला लिया है कि हुण गुरबाणी दे प्रसारण नूं लै के बोली लाई जाएगी। धामी ने पिछले 25 साल का टीवी प्रसारण का रिकॉर्ड भी पेश किया। एसजीपीसी प्रधान ने दसाया कि कमेटी वालों सब तो पहला 1998 वर्ल्ड टीवी दे नाल गुरबाणी दे प्रसारण का समझौता किया गया सी, पर चैनल दे बंद होने तो बाद करार टुट गया। फिर 99 दे विच यूके खालसा वर्ल्ड टीवी की कंपनी नॉर्थ इंडिया टैलीविजन लिमिटेड दे नाल करार होया, पर वह भी विचे छड़ के चले गए। शर्त सी कि गुरबाणी का लाइव टैलीकास्ट होगा पर वह पूरी नहीं कर सके। फिर सितंबर 2000 दे विच ईटीसी चैनल दे नाल समझौता होया ते तय होया कि चैनल हर साल 50 लाख रुपये एसजीपीसी नूं अदा करेगा, पर जी नैक्सट मीडिया दे वल्लों ईटीसी नूं खरीदण तों बाद 2007 दे विच इन्हां दा पीटीसी चैनल दे नाल समझौता हो गया जिहड़ा कि ईटीसी दे नालों वक्खरा होके ही बणिया सी, नवां चैनल सी। जुलाई 2012 दे विच पीटीसी दे नाल 11 साल यानी कि 24 जुलाई 2023 तक का करार होया ते तय होया कि चैनल हर साल कमेटी नूं 1 करोड़ रुपये देवेगा ते हर साल इहदे विच 10% दा वाधा होवेगा ते हुणे वध के 2 करोड़ रुपये दा हो गया। प्रधान ने दावा कीता कि पीटीसी दे वल्लों कमेटी दे होर इतिहासिक प्रोग्रामां दा टैलीकास्ट करन दे लई कोई पैसा नहीं लिया जांदा। इह सारी जिहड़ी जानकारी एसजीपीसी प्रधान ने दित्ती है। 2012 दे विच इहदा एक नवां एग्रीमेंट साडे नाल होया जिहदी शुरुआत 11 साल लई 24 जुलाई 2012 तों उहदी जिहड़ी मनियाद आ 24 जुलाई 2023 तक 11 साल दी इहनां दे नाल तय होई सारी, और इहदे विच 1 करोड़ रुपया देना इन्हां ने सानू 2012 दे विच शुरू कीता। उहदे विच 10% सालाना वाधे की जिहड़ी सीगी वह प्रपोजल एग्रीमेंट होया, प्रपोजल रखी गई ते वह हुण दे समें दे विच 2 करोड़ रुपया जिहड़ा वह राशि बन चुकी है, और ये लगातार अपना लाइव टैलीकास्ट कर रहे हैं। एग्रीमेंट तो अलावा साडे जिन्ने भी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के चाहे विद्यक अदारे होण, चाहे धर्म प्रचार होवे, चाहे मंजी साहब दीवान हाल दे विच कोई समागम होण, उन्हां सारिआं नूं चाहे फतेहगढ़ होवे वह लाइव टैलीकास्ट ये अपने साडे कोलों पैसा नहीं लैंदे, ये सारे कवरेज जिहड़ी आ इह करदे। एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के उस इल्जाम का भी जवाब दिता जिदे विच दावा किया गया सी कि विदेशों तो गुरबाणी के जरिए पीटीसी चैनल करोड़ों रुपये कमाता है। धामी ने कहा कि असी जांच करवाई है, साडी जांच दे विच इह सामने आया कि चैनल गुरबाणी के लिए विदेशों से भारत के दर्शकों तो कोई चार्ज नहीं करता, चैनल फ्री टू एयर की पॉलिसी से चलता है जिसके लिए दर्शकों गुरबाणी वेखने के लिए कोई वाधू पैसा नहीं देना पैंदा।
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਆ ਜਾਂ ਡਿਸ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਹੋਵੇ 300 ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਚੈਨਲ ਆ ਸਾਰੇ। इस दौरान प्रधान हरजिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों एसजीपीसी दे प्रधान नूं तोता दसन वाले बयान ते भी पलटवार कीता ते उदाहरणां दे जरिए मेरी पीरी दा सिद्धांत भी समझाया। तावी ने मास्टर तारा सिंह दे उदाहरण दिंदे होए कहा कि श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान दे नाल नाल एसजीपीसी ते भी काबिज़ रहे मोहन सिंह श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार भी सन अते श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान भी सन। नालों नाल ताड़ना करदिआं उन्हां कहा कि मुख्यमंत्री अपनी हद्दां विच रह के बयान देण, कहिंदे मैं एसजीपीसी प्रधान होण दे नाल नाल श्रोमणी अकाली दल दा नुमाइंदा भी हां। कहिंदे जे तुसीं मैनूं बादल परिवार दा तोता कहिंदे हो तां तुसीं दसो कि की तुसीं दिल्ली दे तोते नहीं हो। इल्जाम लाया कि एसजीपीसी नूं खेरू खेरू करन दी कोशिश कीती जा रही है। कदे तां कहिंदे जी गोलकां दे विच पैसे पाउणे बंद कर दिओ, कदे कहिंदे आ जी इह तोते आ। ते मैं पुछणा चाहुंदा मान साहब तुसीं दिल्ली वालिआं दे तोते आ। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी संस्था आ कौम दी वड्डी, इहदा सारा जिहड़ा कार्ज आ इक निजम अनुसार हुंदा। तुसीं किहड़ियां पिरतां दे के सानूं हुण समझा रहे आ, असीं हुण सिधांत तुहाडे कोलों समझणे आ। मैं कौड़ा बोल नहीं बोलना चाहुंदा, पर दुख अंदर महसूस हुंदा भई कच्ची गल नूं पक्की करके लोक नहीं लोक महसूस करदे आ। पर तुहाडा अज यतन आ कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं खेरू खेरू करिए, ये गल बिल्कुल ठीक नहीं। अपनी लिमिटेशन दे विच रह के गल करिया करो। दरअसल एक दिन पहला मुख्यमंत्री मान ने एसजीपीसी प्रधान ते निजी तंज कसदे कहा सी कि सचखंड श्री दरबार साहिब तो पवित्र गुरबाणी दा प्रसारण दसो एक चैनल ते ही क्यों हुंदा है, ते एसजीपीसी प्रधान कहिंदे उन्ना ही बोलदे ने जिन्ना को बादल उन्हां दे विच डाउनलोड करदे ने। श्रोमणी कमेटी दे प्रधान जी कहिंदे धार्मिक मामलां च दखल ना दिओ। अच्छा मैं कहां जे बादलां दे चैनलां तों पवित्र गुरबाणी का कब्जा छड़ाने वास्ते कोई गल करे तो धार्मिक मामलों में दखल, तो जे एसजीपीसी का प्रधान धामी जलंधर जाके तकड़ी वास्ते वोट मंगे वो निजी फैसला लै आ गल भी आऊगी टीवी। तो हुण मैं प्रधान जी नूं कहना इसका जवाब बादलों पुछ के ही दिओ, क्योंकि मैं पता है सारा कुछ उधरों ही आता है। थोनू जिन्ना क डाउनलोड करते थोनू उन्ना की बोलते हो तुम। मंगलवार को फिर गुरबाणी प्रसारण के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अधिकार है जो गुरबाणी प्रसारण का अधिकार है फ्री टू एयर होना चाहिए है, तो कोई भी सर्बसांझी गुरबाणी तो वांझा ना रहे, पर लाइव टेलीकास्ट कहते सिर्फ एक चैनल तक ही सीमित होकर रह गया। एक चैनल राइट्स नहीं होने चाहिए, गुरबाणी सर्बसांझी गुरबाणी है, गुरबाणी मनुखता का भला मंगने वाली है, फ्री टू एयर हो ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾਵੇ। ਖੈਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਗੌੜੇ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਬੰਗਲੌਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ 5 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੰਗਲੌਰ ਵੱਲ ਟੀਮ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ, ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਇਹ 3 ਜਣੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੋਸਟਰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਜਣੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨਿਗਲ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਖਾ ਗਿਆ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
हुण जिहड़ा संदीप ब्रिटा डेरा प्रेमी हिरासत दे विच लिया है उसनू गिरफ्तार करके फरीदकोट की अदालत विच पेश कीता जावेगा अते दो होर मुलजमां हर्ष तुरी ते प्रदीप कलेर की भी इस दे पुछगिछ तो बाद गिरफ्तारी हो सकती है। बेअदबी मामले दे विच पंजाब पुलिस इसनू वड्डी कामयाबी दस रही है। उधर बरगाड़ी बेअदबी के मुख मुलजम संदीप ब्रिटा की गिरफ्तारी तो बाद बेअदबी के गुनाहगारां नू सजा दवाउण दे लई मोर्चे ते साल तो भी वध समय तो बैठे हुए सुखराज सिंह का भी बयान सामने आया है जिसके पिता की गोलीकांड दे विच मौत हो गई सी। सुखराज ने कहा कि 8 सालों बाद पुलिस ने संदीप ब्रिटा नूं गिरफ्तार किया। इस मामले दे विच सिर्फ 3 लोग ही नहीं बल्कि कई लोग शामिल सन। इस करके कहिंदे राम रहीम जिहड़ा कि डेरा सरसा दा मुखी है जिथों दे प्रेमी ने उस दी भी पुछगिछ होनी चाहीदी है। सुखराज ने केंद्र तों मंग कीती है कि बेदबी दे लई पंजाब सरकार वल्लों पास कीते गए कानून नूं छेती तों छेती मंजूर करन। देखो जी जे वाकई संदीप ब्रिटे नूं गिरफ्तार किया डिटेन किया तां पंजाब दे लोकां दे जां सिखां दे किते ना किते जख्मां ते मलम दा कम है। 8 साल बाद एटलीस्ट एक निक्की जी आस दी करन तां जागी है कि इस तों बाद जिहड़ी जांच आ बिल्कुल रुकी हुई सी उह अगे वधूगी। अगे वधण दे नाल जिहड़े दो भगौड़ा करार रहिंदे आ उहनां ते भी कारवाई होगी जां जिहड़ा इहनां दा मुख साझेकर्ता सनारिया जेल दे विच बलात्कारी राम रहीम बंद है किते ना किते उहदे ते भी वड्डियां कारवाइयां जिहड़ियां हो सकणगियां क्योंकि इह उह उहनां पहले नामां दे विचों आ जिहड़िआं ने साजिश रची है ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਡਿਟੇਨ ਹੋਇਆ। उधर हरियाणा के सिख लीडर बलजीत सिंह दादूवाल ने भी इस गिरफ्तारी का स्वागत किया है। दादूवाल ने कहा कि इसकी गिरफ्तारी तो बाद हुण दो होर भगौड़े मुलजमान की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए है। उन्होंने दावा किया कि पूरे बेअदबी कांड दे विच राम रहीम की भूमिका काफी अहम सी जिसकी जांच हुण सिट नूं करनी चाहिए है। राम रहीम की पुछ पड़ताल होनी चाहिए है। दादूवाल ने मांग की है कि राम रहीम नूं पंजाब लिया के उस तों पुछ गिछ की जाए पूरे मामले की जांच सिरे लाई जाए। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान अते साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे विचाले 2 करोड़ दी रिश्वत मंगण दे इल्जामां दी जंग होर तेज हो गई है। लंघे दिनी चन्नी ने चमकौर साहब गुरु घर पहुंच के अरदास करदे हुए कहा सी कि जे मैं अपने भाणजे जां फिर किसे रिश्तेदार नूं खिडारियां तों रिश्वत लैण दे लई कहा तां मेरा कख ना रहे। इस तों बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान दा वी मंगलवार नूं बयान सामने आया है। उन्हां ने सबूत पेश करन दी चेतावनी दे दित्ती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साबका सीएम चन्नी ते तंज कसते हुए कहा कि तुसी अपने भाणजे जां भतीजे तों पुछ लो चंगी तरह किते बिना पुछे ही रिश्वत दा काम ना करदे। हुण उन्होंने साबका मुख्यमंत्री नूं इह वी कहा कि तुसी ढके रहो नहीं तां मैं उस खिडारी नूं सामने लियाऊंगा जिन्हें मैनूं शिकायत लाई है। सारा कुछ दस्सिया कि नौकरी दे बदले उस तों पैसे मंगे गए। मान ने कहा कि असीं इस मामले की जांच जरूर करांगे। कहदे मैनूं तुसी दस्सो कि मैं अजिहा इल्जाम पहलां क्यों नहीं लाया क्योंकि मैं कोई TRP थोड़ी कर रहा जदों मेरे को मामला सामने आया उदों ही मैं ये जिहड़ी गल है वह जनतक की है। 2-4 दिन होर ला लो भाणजिआं दे भतीजिआं नूं पुछ लो हो सकदा तुहानूं पुछे बिना भी काम करदे होण नहीं मैं प्लेयर सामने लै आउणा फिर उहनां दी कुछ नहीं रहनी। इस करके कृपा करके ढके रहो तां चंगा है। हाँ जांच इहदी जरूर करांगे कि ऐं दो करन दा मतलब की है। ये मैं एक मिनट यह गल कह के मैनूं कोई TRP मिलनी ये गल मैं पहलां नहीं कही। मैं जिद्दे मैच देखण गया उद्दे मैनूं प्लेयर मिले उन्होंने कहा कि साडी आह हालत है जी पंजाब दा प्लेयर सी पंजाब दा मुंडा सी पंजाबी सी। सो इस करके कैप्टन साहब ने पहला नहीं दित्ती नौकरी जो दूजे पासे गए तां उह इह पुछ लैण जदों उहनां दा फिर अपने भाणजे भतीजे दे कंट्रोल ही नहीं ताईं तां 8-8 करोड़ रुपया घरों मिलदा सी। फिर दरअसल सोमवार नूं इक समागम दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा कीता सी कि साबका मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने अपने 3 महीने दे कार्यकाल दौरान नौकरी दे लई खिडारियां तों 2-2 करोड़ दी रिश्वत मंगी ते सारा काम कहिंदे चन्नी दे भाणजे जरिए हुंदा सी। सीएम मान ने दावा कीता सी कि पिछले हफ्ते जदों धर्मशाला दे विच IPL दा मैच वेखण लई गए सन तां उहनां नूं पंजाब दे इक क्रिकेट खिडारी ने इह सारी कहानी दस्सी सी। मैं ते मेरा बापू चन्नी कोल गए चन्नी कहिंदा मेरे भाणजे नूं मिल लो हुण भाणजे नूं ते उह कहिंदा मैं भाणजे कोल चले गए उह कहिंदा हां कागज देख के कहिंदा हां बण जू दो कर दिओ कहिंदा ठीक है जी कहिंदा साडी जट बुद्धी जी असीं कहिंदा तीजे दिन 2 लख लैके चले गए उहदे कोल उहने कहिंदा नाल तां कड्डियां गालां कहिंदा नाले कहिंदा तुहानूं पता नहीं 2 दा मतलब 2 करोड़ हुंदा एडे एडे गरीब पए ने इत्थे उह कहिंदे असीं गरीब हाँ उह कहिंदा जी बस कागज उत्थे ही पए ने जी कहिंदा बस 2 दा मतलब नहीं समझ सके इन्हां लई 2 करोड़ है इन्हां लई लख नहीं हैगा ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਜੀ।
इस तो बाद सोमवार को फिर सबका मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी अपने पुत्र के नाल चमकौर साहब के इतिहासिक गुरुद्वारा कतलगढ़ साहब पहुंची और अरदास करते हुए कहा कि जे मैं किसी को एक भी पैसा लिया हो मेरा कख ना रहे। दावा किया कि सूबे के मुख्यमंत्री ने उन्होंने पिछे विजिलेंस ला रखी है, किसी भी तरीके उन्होंने जेल भेजना चाहते हैं। सबका मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि जो भी वह कुछ करते हैं तो मुख्यमंत्री भगवंत मान उन्होंने पिछे पै जाते हैं। कहते हुणे ही मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तो डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है तो मान मेरे मुड़ पिछे पै गए। कहते मान दिया सारिया गल्लां झूठियां ते बेबुनियाद ने। मत्था टेकन तो बाद पत्रकारां दे नाल गलबात करदिया चन्नी ने कहा कि अपने तीन महीनों के कार्यकाल दौरान मैं बहुत सारे खिडारियों नूं नौकरियां दित्तियां पर उन्हां दे विच्चों किसे एक नूं भी सामने ले आवो कि नौकरी दे बदले मैं किस तों पैसे लए। हुण कहिंदे जे कोई अजिहा केस साबित होया तां मैं सज़ा भुगतण नूं तैयार हाँ, पर कहिंदे भगवंत मान तां मेरे पिछे ही पै गए ने। उन्हां सरकार नूं चुनौती दित्ती है कि कदे भी किसी भी तरह की जांच तों मैं भज्जिया नहीं हाँ, पिछे नहीं हटिया, ना ही मैं जेल जाण तों डरदा हाँ। तो चन्नी ने ऐलान किया कि वह हंकारी ते झूठे मुख्यमंत्री का सबर नाल सामना करनगे। मैं यही अरदास गुरु साहब कोल कीती है कि मैं कदे भी अपने भाणजे राही या अपने भतीजे राही कदे भी नौकरी देण दे पैसे लए होण या बदली कराउण दे पैसे लए होण तां मैं गुरु साहब अगे जिथे ते मैनूं सारा कुछ मिलिया चमकौर साहब दे शहीदां सिंघां दी धरती कतलगढ़ साहब दे अगे अरदास कीती है कि मैं थोड़ा देणदार है, मेरा कुछ ना रहे। सो पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ते 2 करोड़ दी रिश्वत मंगण दा इल्जाम बड़ा गंभीर है ते इल्जाम भी पंजाब दे मौजूदा मुख्यमंत्री ने लाया है। हुण जांच जे होवेगी इस मसले दी तां ही सामने आऊगा कि मौजूदा मुख्यमंत्री दा दावा सच है जां फिर साबका मुख्यमंत्री दा। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार नूं पंजाब पुलिस नूं 98 वाहन होर दिते ने। पंजाब पुलिस नूं हाईटेक बनाउण दे उद्देश दे नाल 86 महिंद्रा बलैरो ते 12 आर्टिगा गड्डियां दित्तियां गईयां ने। हरी झंडी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दित्ती। सारे वाहन अत आधुनिक तकनीकां ते मोबाइल डेटा टर्मिनलां दे नाल लैस ने तां जो नंबर 112 डायल किते जाणते आसानी नाल अते तेजी नाल इह टिकाणियां ते पहुंच सकण। मुख्यमंत्री मान ने इस मौके कहा कि साइबर पुलिस नूं भी हाईटेक करन लई 30 करोड़ रुपये जारी किए गए ने तां जो ऑनलाइन जुर्मां नूं रोकिया जा सके। पंजाब पुलिस नूं बजट की कमी नहीं आउण दित्ती जाएगी, यह दावा किया सीएम ने। पंजाब पुलिस के मैं कहूँगा बेड़े दे विच 98 एमरजेंसी रिस्पोंस वहीकल जिहड़े ने वो शामिल होए ने, 86 महिंद्रा बलैरो ने ते 12 मरुति क्रिटिगा एक ये जिहड़ी कारां शामिल हुई ने छोटियां गलियां च मरुति क्रिटिगा ते वैसे तुहाडे सामने फ्लैग ऑफ होया तां बलैरो दियां जिहड़ियां मजबूत गड्डियां ने वह पुलिस के बेड़े च आईया ने। तो इन गड्डियां दे विच मोबाइल डाटा टर्मीनल्स लगे हुए ने, GPS लगे हुए ने ताकि जिहड़ा 112 नंबर है उहदे ते डायल जदों कोई करदा उहदा उहदी जिहड़ी उत्थे उस जगह ते पहुंचण दी टाइमिंग घट सके। भारत सरकार ने सरकारी प्रयोगशाला दे विच नमूनियां दी जांच तों बाद ही खंग रोकण वाली पीण वाली दवाई दे निर्यात दी इजाजत देण दा ऐलान कीता है। यानी कि भारत सरकार ने खंग दी जिहड़ी दवाई हुंदी है पीण वाली, खंग दा सिरप है, उस नूं बरामद करन तों पहलां सरकारी प्रयोगशाला दे विच उहदी जांच करवाउणी लाजमी कर दित्ती है। सरकारी नोटिस दे विच शर्त रखी गई है। दरअसल हाल ही विच भारतीय खंघ सिरप के कारण कई देशों दे विच बच्चों की मौत दी रिपोर्टां तो बाद भारत सरकार ने कदम चुकिया है। सरकार ने 22 मई नूं नोटिस जारी करके कहा है कि खंघ की दवाई नूं निर्यात करन तों पहलां कंपनी दे कोल सरकारी प्रयोगशाला दे विच जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह हुक्म 1 जून तो लागू होणगे। नशियां दे मामले दे विच बर्खास्त किए गए पंजाब दे साबका AIG राजजीत सिंह दीआं मुश्किलां होर वध गईआं ने। STF दी विशेष जांच टीम ने राजजीत खिलाफ भ्रिष्टाचार रोकू कानून तहत एक होर केस दर्ज कर लिया। राजजीत ते नशा तस्कर तो रिश्वत मंगण ते उन्हां नूं सुरक्षा देण दा इल्जाम है ते भोले भाले लोकां नूं फसाउण दा इल्जाम है। बरखास्त अधिकारी दे विरुद्ध हुण उग्राही ते भ्रिष्टाचार दा मामला दर्ज कीता गया है। जे तुसी WhatsApp वरतदे हो तां तुहाडे लई इह बहुत ही जरूरी खबर है क्योंकि हुण WhatsApp वरतण वाले जिहड़े यूजर्स ने ओह मैसेज भेजण दे 15 मिनट तक भी उस नूं एडिट कर सकणगे। यानी कि मैसेज भेजण तों 15 मिनट बाद भी उस नूं एडिट कर सकणगे। इहदे नाल यूजर्स अपने मैसेज दे विच होई कोई भी गलती एडिट कर सकदे ने। इस दा ऐलान मेटा दे चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क जुकरबर्ग ने कीता है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने भेजे गए टैक्सट मैसेज नूं एडिट करन दी सहूलत देण वाले फीचर नूं रोल आउट कर दिता है। इस फीचर
फीचर की मदद नाल यूजर्स नू मैसेज भेजे जान दे बाद भी उस नू सही करन दी दुरुस्त करन दी बदलन दी सहूलत मिल जाएगी। पंचम पातशाह ते शहीदां दे सरताज श्री गुरु अर्जन देव साहिब दा शहीदी दिहाड़ा पूरी दुनिया दे विच श्रद्धा भावना दे नाल मनाया गया। पंजाब समेत दुनिया भर के वख वख गुरु घरां दे विच सुखमनी साहिब दे पाठ दे भोग पाए गए, अखंड पाठ दे भोग पाए गए। संगत दे लई छबील ते लंगर दा प्रबंध पिछले कई दिनों तो किया जा रहा है ते पूरे जून महीने यह जारी रहेगा। इस मौके श्री अकाल तख्त साहब दे कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सिख संगत दे नाम सुनेहा जारी करदियां गुरु साहिब दे जीवन दी संखेप जानकारी दिंदियां गुरु जी दी शहादत तों प्रेरणा लैण दे लई कहा। उन्होंने सिख संगत नूं गुरु नानक साहिब दे फलसफे दे नाल जुड़न अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरनी लगन दी अपील भी कीती। SGPC दे वल्लों वी शहीदी दिहाड़ा मनाया गया। महान शहादत नूं कोट 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 प्रणाम। और इस शहादत तों सानूं प्रेरणा लैण दी वी जिहड़ी है ओह जरूरत है। मैं समुचियां गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं और समुचे गुरु खालसा पंथ नूं इहो कहना कि आओ गुरु नानक साहिब दे फलसफे नाल जुड़िए, धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे चरणां नाल जुड़िए। पंजाब दीआं वड्डीआं खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहाडे सब तों इजाजत चाहुंदे हां। धन्नवाद।